क्यों बने हैं ना ये गुड़पारे बिल्कुल हलवाई के टक्कर के, क्या बढ़िया सुनहरा रंग आया है इनका और बहुत ही खस्ता बने हैं। सौंफ का बढ़िया फ्लेवर के साथ साथ क्योंकि ये घर में देसी घी से बने हैं तो बहुत ही हेल्दी हैं। Hey foodies, welcome to Ashima's kitchen. जब भी कोई शादी होती है और घर में भाजी आती है, मुझे सबसे ज्यादा पसंद आते हैं गुड़पारे। आपको क्या पसंद आता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये देखने में लगता है कि कितने मुश्किल होंगे बनाने, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है जिससे आप इन गुड़पारों को घर पे बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। तो चलो बनाते हैं। गुड़पारे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मैदा, यानी कि ऑल पर्पस फ्लार। मैंने यहाँ लिया है 2 कप मैदा। अब उसमें हम डालेंगे घी। घी मैंने लिया है 1/4 कप। घी की जगह आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और मैदे और घी को हम हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। इनको हमें 1 मिनट तक मिलाना है, जब तक कि घी और मैदा आपस में अच्छे से मिल ना जाए। आप थोड़े से मिक्सचर को हाथ में लें और जोड़ने का ट्राई करें। अगर घी और मैदा हमारा बाइंड होने लग जाए तो मतलब घी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। अब हम इसमें धीरे धीरे ऐड करेंगे पानी और मैदे का एक डो बना लेंगे। एक चीज का ध्यान रखें कि पानी हमें गुनगुना गर्म ही लेना है, नॉर्मल या ठंडे पानी से मैदे को नहीं गूंदना। और डो हमें बनाना है नॉर्मल टाइट, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, जैसे रोटी का आटा बनाते हैं बस उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइट। तो धीरे धीरे हमारी डो की शेप आ रही है और ये बहुत ही अच्छे से गूंद रहा है। बिल्कुल ऐसा डो बनाना है हमें गुड़पारा बनाने के लिए, है ना ये सिंपल। अब हम इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे जिससे कि ये सेट हो जाएगा। 15 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये हल्का सा फूल जाएगा और हमारे डो की कंसिस्टेंसी और भी अच्छी हो जाएगी। क्यों अच्छा लग रहा है ना। अब हम बनाएंगे अपने पारे। उसके लिए हम लेंगे चकला और रोलिंग पिन यानी कि बेलन, और दोनों के ऊपर घी या फिर ऑयल की अच्छी सी ग्रीसिंग कर लेंगे ताकि मैदे को बेलते टाइम वो ना चिपके और अच्छे से बेल जाए। अब हम लेंगे अपने मैदे का डो जो हमने निट किया था और उनको हथेली पे गोल गोल रोल कर लेंगे जिससे कि ये गोल आकार की हो जाएगी और एक बॉल की तरह बन जाएगी। और फिर अपने हाथों से साइड में इसको दबाना शुरू कर देंगे ताकि थोड़ी फ्लैटन हो जाए। जब ये हथेली से फ्लैटन हो जाएगी, इसको अपने चकले पे रख के बेलन से हल्के हाथों से इसको लंबाई की तरफ बेलना शुरू करेंगे। जब ये एक तरफ से बेल जाएगी तो बेलन से दूसरी तरफ से भी इसको हल्के हाथों से लंबाई की तरफ बेल लेंगे। इसे हमें बहुत पतला नहीं बेलना है, मैं दिखाती हूँ हमें इसको कितना मोटा रखना है। हमें अपने पारों के लिए इतना मोटा आटा बेलना है। तो अब हम चाकू से इसके कॉर्नर्स को कट कर लेंगे जिससे इसकी स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप आ जाएगी। और इसके कॉर्नर्स कट करने के बाद हम लंबाई में इसको काट लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें इनको इतना ही पतला काटना है क्योंकि मार्केट वाले पारों की शेप ऐसी ही होती है और हमें बनाने हैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल हलवाइयों जैसे पारे। तो जब एक तरफ से ये कट जाएंगे लंबे तो इसको टेढ़ा करके हम बीच से भी एक चीरा लगा देंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इतने से डो में हमारे कितने सारे पारे कट चुके हैं और इनकी शेप आई है बिल्कुल परफेक्ट। तो पारे हमारे सभी कट हो चुके हैं, इनको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम अपने बाकी आटे को भी बेल के काट लेंगे और अब करेंगे इनको फ्राई। तो मैं एक पैन ले रही हूँ और उसमें डाल रही हूँ देसी घी। मैं इनको देसी घी में फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इनको रिफाइंड ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो पहले चेक कर लेते तेल हमारा गर्म हुआ है या नहीं। उसके लिए मैंने एक पारा डाला है और बबल्स आ रहे हैं, मतलब तेल हमारा गर्म हो गया। तो उसी तेल में अब मैं अपने बाकी पारों को भी डाल देती हूँ और इनको फ्राई कर लेती हूँ। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको इस टाइम पे फ्राई करते टाइम फ्लेम को मीडियम पर ही रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं रखना है और लो फ्लेम पे भी इनको फ्राई नहीं करना है।
और इनको चम्मच से हल्का हल्का हिलाते रहें ताकि दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। अगर आप इसकी तेज फ्लेम रखेंगे तो ये ऊपर से तो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये बहुत सारा घी पी जाएंगे। तो धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पे फ्राई होते रहेंगे और हम इनको चम्मच से हिलाते रहेंगे। देखिए इनका कलर कितना अच्छे से गोल्डन ब्राउन आ गया है। तो पारे हमारे इस टाइम बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनको अब हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए इनका टेक्सचर कितना अच्छा आया है, बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो इनको हम निकाल लें किचन टावल के ऊपर ताकि जितना एक्सेस घी है वो किचन टावल सोख ले। अब हम पारों का नेक्स्ट लॉट फ्राई कर लेंगे, उसके लिए भी हम तेल में इनको डाल लेंगे। एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि मीडियम टेम्परेचर सेट करने के बाद फिर अपना नेक्स्ट पारों का लॉट डालें। ये पारे भी हमारे हो गए हैं फ्राई, इनको भी हम प्लेट में किचन टावल पे निकाल लेंगे। मैं आपको पास से दिखाती हूँ ये पारे हमारे कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है और ये देखने में ही इतने खस्ता लग रहे हैं। अब हम बनाएंगे अपनी गुड़ की चाशनी। उसके लिए मैंने 200 ग्राम गुड़ लिया है, उसको मैं एक पैन में निकाल रही हूँ और इस गुड़ में डाल रही हूँ मैं 1/3 कप पानी। अब हम इस गुड़ की चाशनी बना लेंगे, तो उसको लगातार चलाते हुए गुड़ को हम घोल लेंगे। जैसे जैसे पैन हमारा गर्म होगा गुड़ हमारा बहुत ही आसानी से पिघलता जाएगा, तो इस गुड़ को हमें तब तक चलाते हुए गर्म करना है जब तक कि इसका एक सिरप ना बन जाए। तो आप देखेंगे कि कैसे इसकी डलियां कम होती जा रही हैं और ये घुलता जा रहा है। इसको हमें पिघलाने में 2 से 3 मिनट लगे। अब इसके अंदर झाग उठने लग जाएंगे। तो अब हम डालेंगे अपने गुड़ सिरप में 1 टीस्पून सौंफ। सौंफ से गुड़ पारों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इनको हम अपने गुड़ के घोल के साथ मिला लेंगे और फिर हम चेक करेंगे अपने गुड़ के घोल की कंसिस्टेंसी। यहाँ आप देखेंगे कि हमारा गुड़ सिरप की चाशनी 3 से 4 तार की आ रही है, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट प्रिपेयर हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे अपने पारे और हम अपने पारों को गुड़ सिरप के साथ अच्छे से मिला लेंगे ताकि इनके ऊपर गुड़ की एक अच्छी सी कोटिंग आ जाए। फ्लेम को अभी हमें लो मीडियम पर रखना है क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। जैसे ही कोटिंग अच्छे से हो जाएगी हम फ्लेम को बंद कर देंगे। मैंने इस टाइम फ्लेम को बंद कर दिया है, पर हमें अपने गुड़ पारों को लगातार चलाते रहना है और इनको चलाते हुए ही ठंडा करना है। ये स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन पारों पर गुड़ जमने तक इनको नहीं चलाएंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे और इनकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो जब तक गुड़ ठंडा ना हो जाए और ये अलग अलग ना हो जाए तो तब तक आप इन्हें लगातार चलाते रहें। गुड़ पारों को मैंने स्टोव से उतार लिया है, पर क्योंकि अभी भी ये हल्के गर्म है तो इनको 5 से 7 मिनट तक और लगातार चलाते रहेंगे ताकि आपस में चिपके ना। अब ये ठंडे हो गए हैं और आपस में नहीं चिपक रहे हैं। तो गुड़ पारे हमारे बनके तैयार हैं, हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। आप देखेंगे कि इसकी फिनिशिंग और उसका लुक आया है बिल्कुल ही हलवाई स्टाइल, देख के लग ही नहीं रहा है कि हमने इनको घर पे बनाया है। और मैं आपको एक पारे को तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितना खस्ता बना है और कितनी आसानी से टूट गया है। अगर आपको भी गुड़ पारे पसंद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इन गुड़ पारों को, मेरा मतलब हलवाई स्टाइल गुड़ पारों को, घर पे ज़रूर बनाएं। गुड़ पारे हमारे बनके तैयार हैं। चलो मैं जल्दी से टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। ये बहुत ही टेस्टी और खस्ता बने हैं, और क्योंकि हमने ये देसी घी में बनाए हैं तो इसका टेस्ट दुगना हो गया है। तो आप भी इन गुड़ पारों को घर पे बनाने का ट्राई जरूर करना एंड आपके गुड़ पारे कैसे बने हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और मेरी और भी नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है आशिमास किचन।
आपकी सुविधा के लिए मैंने सभी इंग्रेडिएंट्स को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो जब भी आप बनाए तो वहां से रेफर कर ले। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखना और उन्हें ढेर सारा प्यार करना। हैप्पी कुकिंग विद आशिमास किचन।